मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब द्वारा संचालित मन की बात का जो कार्यक्रम है, इसके 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। 30 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे जब माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब मन की बात के कार्यक्रम को रेडियो द्वारा वो जनता और जनमानस से संवाद करेंगे, तो यह श्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा किया जाने वाला 100वां मन की बात कार्यक्रम होगा। 3 अक्टूबर विजयदशमी के दिन 2014 को पहली बार मन की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने शुरू किया था। इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया भर के अंदर जो भारतीय हैं, उन द्वारा किए गए बहुत ही प्रेरणादायी विषयों को जनता के सामने, देशवासियों के सामने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हमेशा रखा। अपनी मेहनत के बल पर समाज के अंदर परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हों, धार्मिक अनुष्ठान हो, अन्य अन्य प्रांतों के अंदर मेहनतकश आम जनमानस की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हमेशा देश के अंदर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा की, उन महान भावों के ऊपर हमेशा मोदी साहब ने प्रकाश डाला। और लगातार ये मन की बात का कार्यक्रम हर महीने के चौथे रविवार सुबह 11 बजे होता है। पूरे देश के अंदर देश का जनमानस बेसब्री से हमेशा इंतजार करता है कि कब महीने का चौथा रविवार आए और 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की मन की बात का कार्यक्रम सुनने को मिले। मोदी साहब ने लगातार मन की बात के माध्यम से जनमानस के सामने, देशवासियों के सामने ऐसे लोगों की कहानियां और ऐसे लोगों के वृतांत सुनाए जिन्होंने अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से मेहनत की और देश और समाज का नाम रोशन किया। साथियों, 30 अप्रैल को जब सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब मन की बात के कार्यक्रम के द्वारा देशवासियों से चर्चा करेंगे, तो यह कार्यक्रम 100वां एपिसोड होगा। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़े पैमाने पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जी द्वारा संचालित मन की बात के कार्यक्रम की बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है। जम्मू रीजन में 5000 के करीब जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो गठित पोलिंग बूथ हैं, उन पोलिंग बूथों पर यह मन की बात का कार्यक्रम सुना जाएगा। और वहीं कश्मीर घाटी में भी 500 से अधिक स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम सामूहिक रूप से सुनने की व्यवस्था की गई। ये अपने आप में बहुत
बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी व्यवस्था की है। लगभग 5 लाख लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के 100वें मन की बात के एपिसोड को सामूहिक तौर पर इकट्ठे होकर वो सुनेंगे, जिसमें जम्मू संभाग में 5,000 स्थानों पर ये कार्यक्रम होंगे और कश्मीर घाटी में 500 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। इतने बड़े पैमाने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारियां की हैं। वही आम जनमानस, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे सामाजिक धार्मिक एनजीओज, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, व्यापारी वर्ग, उन्होंने भी अपने स्तर पर इस मन की बात के 100वें कार्यक्रम को सुनने की, देखने की व्यवस्थाएं की हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये अपने आप में एक इतिहास है कि किसी भी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस प्रकार लगातार जनसंवाद, जनता के साथ संवाद का ये कार्यक्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हम सबको आने वाले रविवार 30 अप्रैल 11 बजे अपने अपने पोलिंग बूथों में, पंचायतों में इकट्ठे होकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के इस मन की बात के कार्यक्रम को सुने। माननीय मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी अनेक बार ऐसे प्रेरणादायी किस्से और प्रसंग सुनाए जिसकी प्रेरणा पूरी दुनिया को जाती है। कोरोना काल हो, उत्सव हो, विशेष परिस्थितियों में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जनता की भावों को अपने मन की बात के कार्यक्रम द्वारा पेश किया है, जो देशवासियों के मन में अलग अलग विषय आते हैं उन्हीं को जनता के सामने मोदी साहब रखते हैं। मैं पुनः सभी जम्मू कश्मीर के वासियों से ये निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस 100वें कार्यक्रम को उत्सव की तरह, उमंग की तरह, त्योहार की तरह हम मनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से वो व्यवस्थाएं, वो रेडियो की व्यवस्था जो कभी रेडियो घर घर में बजता था, वो पत्राचार जो पहले जमाने में पत्र लिखे जाते थे, जो व्यवस्थाएं आज धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, उनको पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया है। और हम सबको मैं पुनः निवेदन करूंगा कि रविवार 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे इकट्ठे होकर, अपने अपने घर में तो सभी सुनते हैं, लेकिन निवेदन है कि सबको इकट्ठे होकर अपने पोलिंग बूथ स्तर अथवा पंचायत स्तर पर इकट्ठे बैठ के, जैसे चौपाल लगती है, जैसे गांव में पंचायत लगती है, उस प्रकार की व्यवस्था करके इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। रैना जी, आप मन की बात की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम जो है काफी ज्यादा सफल रहा, क्योंकि देश की जनता का समर्थन था और जम्मू कश्मीर की जनता में काकरा डेली वेजेस का है, फायर इमरजेंसी सर्विसेज का है, लेब्रिकेन का है, एनवाईसी का है, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स का है, ये तमाम लोग जो है आपके वोटर लिस्ट में सबसे शीर्ष पर है। और युवाओं का भी है, जो तमाम जो आपकी सरकारी नौकरी जो घोटाले की पेंट चढ़ती है उस पर, क्या आप इनकी मन की बात सुने कि यह प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी? आपको तो हमेशा से ही बुलाया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा कि आप सबसे बड़े नेता है जम्मू कश्मीर के, और आप ही बैठकों में होते हैं, आप ही नेताओं को हरी खुशी सुनाते हैं, लेकिन इस बार जो है मन की बात किसकी करें?
हम सबकी मन की बात सुनते हैं। जहां कोई परेशान हो, दुखी हो, मैं हमेशा वहां पहुंचता हूं। दिन हो, रात हो, धूप हो, छांव हो, बरसात हो या बर्फबारी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो या तूफान हो, हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं और जनता की मन की बात सुनते हैं। और जनता की मन की बात जो हम सुनते हैं और उनका हम समाधान भी करते हैं, हर एक समस्या का समाधान हो। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में सरकार आएगी तो मुसलमानों को दिया गया आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा का चुनाव होगा इधर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? बहुत सारा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के माध्यम से साजिश के तौर पर किया जा रहा है। हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो मोदी साहब ने शपथ लेने के बाद देशवासियों को एक नारा दिया था और उन्होंने कहा था यह मेरी सरकार का मूल मंत्र है। और वो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। ये हिंदुस्तान अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है तो ये हिंदुस्तान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। हम सब मिलजुल कर एक राष्ट्र के नाते, एक परिवार के नाते और एक परिवार के सदस्य हम सब फैमिली मेंबर्स के नाते रहते हैं। किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है। इसलिए मोदी साहब का ये नारा है सब हमारे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सब हमारे, कोई पराया नहीं। सबकी समस्याओं का समाधान होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन समाधान जरूर होगा, हम ही करेंगे। लगातार जनता की समस्याओं का हम समाधान कर रहे हैं और आगे भी सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सबको इंसाफ मिलेगा, हर शख्स को इंसाफ मिलेगा। थैंक यू।